बताऊंगा भाई को बताऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम ड्रैग रेस करवाने वाले हैं हुंडई वर्ना की और हुंडई क्रेटा की। देखो भाई, ये बिल्कुल सिडैन होगी और ये एक एसयूवी में आ जाती है, तो सेगमेंट तो बिल्कुल ही अलग है। पर अब इनमें खास बात ये है कि जो ये हुंडई वर्ना है ये तो डीजल में आती है, और ये है हुंडई क्रेटा, ये पेट्रोल में ऑटोमेटिक। और जिनकी गाड़ी है प्रथम भाई, और ये भी गुड़गांव से ही है, और इनका भी यूट्यूब पे चैनल है कशिशन प्रथम ब्लॉग्स है। भाई के चैनल को जाके जल्दी से प्यार दो, थोड़ा सब्सक्राइब करो। और आज भाई तगड़े वाली ड्रैग रेस होने वाली है, क्योंकि ये है टर्बो में। हाँ, टर्बो और 7 DCT, ये देख सकते हो बैजिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरी जरूर देखना। आइए बात करते हैं दोनों गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो भाई इसमें हमें 1400 सीसी का पेट्रोल इंजन, जो कि ये ऑटोमेटिक है 7 DCT, जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रोड्यूस करता है 138 BHP, उसी के साथ 242 Nm का टॉर्क। उसी तरफ अगर अब हम बात करें हुंडई वर्ना का, तो इसमें 1600 सीसी का डीजल इंजन ऑटोमेटिक है और जो प्रोड्यूस करता है 126 BHP, उसी के साथ 260 Nm का टॉर्क। तो भाई फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं, और दोनों गाड़ी हमने लगा दी हैं, उसको प्रथम भाई चलाएंगे और मेरे साथ यज्ञ भाई हैं। भाई वैसे हम 3 बार हॉर्न बजाएंगे, उसके बाद राउंड शुरू होगा। राउंड 1। क्या बात है यार, कमाल हो गया यार। ये देखो भाई, क्रेटा ने तो बढ़िया डिस्टेंस बना रखा है, बहुत डिस्टेंस रह चुका है। ये देखो भाई, अभी क्रेटा कवर मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्रेटा आ नहीं पा रही है, वरना पूरी अपनी स्पीड पे है। और ये भाई का शीशा खुला है, जब ये हाल है भाई शीशा चढ़ाओ भाई। ये देखो अब क्रेटा थोड़ा बनाने की कोशिश कर रही है, कर रही है, लेकिन बस ब्रेक मार लिए भाई, ब्रेक मार लिए तो वरना के ओनर ने, वरना ही आ गया यार, जीत गई भाई। यही था यार मेरे को भी, और ये भाई कह रहे थे कि भाई मेरी गाड़ी जीतेगी। सही बात है, यूटर्न ले ले, यूटर्न दिलवा दे। हाँ यूटर्न। तो भाई फर्स्ट राउंड की जो विनर है वो वरना रहती है। क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे? सिडान सिडान ही होती है, कुछ भी हो जाए। हाँ सिडान तो सिडान ही होती है। बाद में क्या कहते हैं, जब मेरी आगे निकली, जब क्या मंदी कर ली थी क्या? नहीं वो फिर आगे वो हो गया था ना, कट आ गया था। पर पूरी लंबी चलने देना। हाँ वो तो भाई, अब 120 तो चढ़ी गई थी, 120 से भी ऊपर चली गई थी। सेकंड राउंड देखते हैं, भाई के पसीने छूट चुके हैं। ठीक है भाई, सेकंड राउंड वहीं से करेंगे। हाँ यहाँ पे ही आना है हमें, अभी वहाँ पे ही पहुँचे, वहीं चलते हैं भाई। तब सेकंड राउंड में चलते हैं भाई, देखते हैं भाई का अब क्या कहना होगा। ये आपका क्या लगता है कि भाई ने स्पोर्ट्स में डाल रखी है? मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स नहीं है भाई, ये स्पोर्ट्स में ही है, क्योंकि अब टर्बो लेने के बाद भी, सेकंड राउंड के बाद जो है हम ड्राइवर को चेंज करेंगे और देखते हैं भाई कौन जीतता है। और सनरूफ भी हमारी बिल्कुल बंद है, तो यूँ मत कहना कि भाई तुमने सनरूफ खोल रखी थी या कुछ भी। तो चलें भाई, भाई एक बार इनको थोड़ा जाने दो। हाँ भाई ट्रैफिक आप देना। हाँ ठीक है, पहले किसने दिया था? अच्छा इनको आगे निकल जाने दो। राउंड 2। तो भाई अब शुरू करते हैं, ट्रैफिक भी चला गया। यार ये तो गाड़ी ऑटोमेटिक लगती ही नहीं है मेरे को भाई, ये तो इतना कैसे गैप रह रहा है यार, बहुत गैप रह गया भाई। ये देखो क्रेटा भाई आपको दिख रही होगी, पिछली बार से ज्यादा गैप रहा है, पिछली बार से ज्यादा गैप रहा है। ये देखो 127, 28, 29 बस। लो भाई ब्रेक मार लिए हैं, और वो भाई की भी गाड़ी आ गई है, भाई ने भी ब्रेक ले लिए हैं। हेलो बताऊंगा भाई को बताऊंगा। ड्रैग रेस में बताऊंगा। ये जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं भाई, हमारा ना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है, तो उस पे ऐसे रात को बातें चल रही थी, तो ये दोनों भाई कह रहे थे कि जो मैं हरा दूंगा तुमको, देख लो भाई। तो भाई मैंने भाई को पहले और कॉन्फिडेंस में कह दिया था कि वरना तो लेकिन अब भाई पूरा चिढ़ा रहा है भाई। अब ड्राइवर इंटरचेंज होंगे, मोड़ लो वापस, कोई नहीं अब आप जीत जाओगे पर मेरी गाड़ी से। पूरे पॉइंट मार रहे हैं पूरे, आज भाई का दिन है। ये देखना तो फंजा देते, ये देखो यार
ये गाड़ी है या क्या है, मेरे को तो समझ नहीं आता। ये सेकंड डीजल रॉकेट है इस रेंज में, मतलब अंडर 18 लैक्स कह सकता हूँ। जिस पहले क्रूज थी पर अब क्रूज चली गई, तो फिलहाल यही किंग है, सब कुछ यही है राजा। क्रूज के साथ अगर आप लोगों में से किसी के पास क्रूज है और वो करवाना चाहता है, बिल्कुल हमारे पास जरूर मेल मैसेज जरूर कर, आपको सबसे पहले रिप्लाई मिलेगा सबसे पहले। तो भाई अब हमारा सेकंड राउंड अभी जो है वो वरना जीत गई है। अब जो मैं क्रेटा चलाऊंगा और ये देखता हूँ कि भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है, कि ये गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही। और अब आप ये चलाओगे, अब आपको भी पता चलेगा इस गाड़ी का, क्या पता मैं ड्राइवर ही हल्का हूँ, हैवी ड्राइवर ना हो। तो भाई अभी ये फिलहाल मैं इसका जो एसी है वो ऑफ कर देता हूँ, और ये स्पोर्ट्स मोड पे है और ट्रैक्शन भी ऑफ है। तो अब करते हैं, ये स्टार्ट है भाई, स्टार्ट भाई रिफाइंड बहुत है। बहुत साइलेंट इंजन ही है ना। तो ये भाई पूरी पूरा गांव साथ में लेके आते हुए, ये पूरा इंडरी आ रहा है आज। पूरा राउंड 3। अरे लैग है भाई, लैग है भाई, नहीं उठती, पता चल गया रीजन। हाँ भाई बिल्कुल लैग है, पहले गियर में भाई नहीं जा पाएगी यार, लैग है बहुत ज्यादा लैग है यार। पहले मतलब उसमें तो उठती नहीं है, एकदम से रुक जाती है खड़ी बिल्कुल, मेरे को लगा गाड़ी बंद होगी। अच्छा ये सिस्टम है। हाँ बाकी ऊपर हायर स्पीड्स पे कैसा परफॉर्मेंस है? हायर स्पीड्स पे कैसा परफॉर्मेंस है? ठीक है यार, इतना यार ये एसयूवी भी तो है। हाँ एसयूवी है, अब मेरे को उसकी आदत होगी ना। ब्रेकिंग कैसी है? ठीक ठीक है, मैं मजा कम आया, मतलब वरना से कंपेयर करूँ ना मेरे को थोड़ा मजा कम आया। कैमरे का पर कोई ये तो ठीक है यार, एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है पर थोड़ा ब्राइटनेस सी ना ठीक है भाई, अब इतना तो। पर भाई 21 लाख है ना, मेरे को लग नहीं रहा इस गाड़ी, मतलब 21 लाख की है गाड़ी। हाँ। पर वो 21 लाख वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा नहीं है, खींचना जरा खींचना, देखना अब एक दिन यूं लगेगा बंद होगी गाड़ी, अगर मैं इनिशियल से शुरू करूं ना तब की बात कर रहा हूं। लैग है ना, क्योंकि इनिशियल में अगर हम चलते हैं ना बहुत लैग है, जैसे ब्रेक पे पैर रखते और रेस पे पैर रखते तो उठती लेट है, मतलब एक बार जाती है और फिर यूं लगता है गाड़ी बंद ही होगी हो जैसे, है ना। और ये तो चलती चली जाती, ये तो ये नहीं रुका करती फिर, ये भागने के लिए बड़ी है। एक्सक्यूजेस आर रेडी ऑलवेज। 21 लाख भाई 21 लाख, मजा नहीं है 21 लाख वाला फिर ना, मजा ठीक है बढ़िया है ना। ये देखो अब आप खुद फर्क देख लो, हम रेस नहीं कर रहे लेकिन भाई ने पूरा आंगन लगा रखा है देखो, और भाई ने धीरे कर ली। ये उठी भाई, लुक्स में और हर चीज में किलर है यार वरना ना। तो भाई भाई का कहना है कि थोड़ा ट्रैक लंबा करो, मैं शायद इस वजह से वो हार रही हो, मतलब ये क्रेटा तो थोड़ा ट्रैक हमने बड़ा कराया है, यहाँ गाड़ी सीख रहे हैं तो इनका भी हमें ध्यान देना है। भाई के कहने पे हम थोड़ा और पीछे आ गए हैं, देखते हैं अब गाड़ी ये थोड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई। चलो कोई नहीं भाई, भाई की भी माननी चाहिए, भाई को शांति रहेगी मेरे। तो अब करते हैं, अब की बार 3-2-1 करूंगा मैं, ठीक है हॉर्न का रिवाज छोड़। राउंड 4। 3-2-1 ये लो जी, देखो अभी थोड़ा डिस्टेंस कम है, भाई ने पूरा जोर लगा रखा है वरना आगे है, ये देखो ये देखो, अरे रिजल्ट थोड़े से बदलते नहीं दिख रहे यार, वही दिख रहे हैं साइकिल वाला आ गया भाई, जीतनी वरना लो यार, वरना देख रहे हो आप कैसी हवा उड़ाती जा रही है वो गाड़ी भाई, बिल्कुल वरना विनर रहती। आपकी भाई क्रेटा भी कितने की स्पीड तक गई थी? 130। तो भाई चार राउंड कर लिए और चारों राउंड में जो वरना है वही जीतती है, हमने ड्राइवर भी चेंज करके देख लिए, एसी सब में ऑफ था और सनरूफ भी हमने नहीं खोल रखी थी। तो वीडियो यहां तक देखी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और मिलता हूं आपसे एक ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।